हेलो फ्रेंड्स, बच्चों के कपड़े रखने के लिए आज बनाते हैं हम ये वाला स्टोरेज जो आप कहीं पर भी कहीं किसी भी वॉल पर अच्छे से हैंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है स्क्वायर शेप में कपड़ा, जिसे मैंने आगे से मेजर कर लिया है कितना मुझे आगे से उसका मुंह ओपन रखना है जहाँ से हम कपड़े रखने वाले हैं। तो मैंने नीचे वाले कपड़े के अकॉर्डिंग ऊपर वाले कपड़े को मेजर करके ले लिया है एंड स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। तो इक्वली हमें बीच वाले पार्ट को छोड़ते हुए चारों तरफ इस कपड़े को इसके साथ स्टिच करना है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। इसे स्टिच करने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। आगे से बीच से इसका मुंह ओपन रहेगा एंड आसपास से आपको इसको स्टिच करते हुए इसे चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। आप आगे से इसका मुंह जितना चाहे उतना ओपन रख सकते हैं। एंड ये हो चुका है रेडी। मैं इसे करने वाली हूँ सीधा। तो सीधा करने के लिए हमें इसके चारों कोनों को अच्छे से बाहर निकाल लेना है एंड इसका लुक स्टिच करने के बाद कुछ इस टाइप से रहेगा। तो ये हो चुका है हमारा स्टोरेज रेडी। अब इसको मैं आपको किस टाइप से हैंग करना है वो दिखा रही हूँ। पूरी ऊपर से जितनी भी कपड़े की प्लेट से उसे अच्छे से इक्वली इक्वली करके प्लेट्स बना लेनी है और इस टाइप से इसे हैंग करने के लिए हमें इस टाइप से पकड़ना है। तो सबसे पहले हम इससे एक जैसा करने के लिए इसके नीचे एक कार्डबोर्ड रख देते हैं। आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कड़क रहे और मुड़े नहीं, वैसी कोई चीज़ आप रख सकते हो। मैंने लिए हैं कपड़ों के बॉक्स, तो इसमें दोनों तरफ अच्छे से कपड़ों को स्टोर करके रख सकते हैं एंड इस टाइप से इसे हैंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उसको आपको हैंग कैसे करना है। तो इक्वली पूरे कपड़े को प्लेट्स लेने के बाद इस टाइप से इकट्ठा करके हमें पकड़ लेना है एंड ये कुछ इस टाइप से इसका लुक रहेगा। तो ये आपको इस टाइप से इसे प्लेट्स बनानी है एंड प्लेट्स बनाने के बाद हमें इसको किस टाइप से हैंग करना है, इस टाइप से आपको इसको इकट्ठा करते हुए ऐसे पकड़ना है। एंड पकड़ने के बाद हमें इसमें एक जो हमारी पुरानी चूड़ी होती है उसे इसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इसको पीछे की तरफ जो कपड़ा है इसे टर्न करके हमें किसी डोरी से इसे बांध लेना है, टाई कर लेना है। और टाई करने के बाद आप चूड़ी की हेल्प से इसे अच्छे से वॉल पर हैंग कर पाएंगे। तो इसे बहुत ही टाइटली आपको टाई करना है यहाँ पर एंड टाई करने के बाद ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा स्टोरेज बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए हम इसे करते हैं एक वॉल के ऊपर हैंग। मैं पूरा लुक आपको इसका दिखा देती हूँ। जैसा कि हमारे बच्चों के कपड़े पूरे घर में इधर उधर फैले रहते हैं और पूरा टाइम हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम बार बार कपड़ों को घड़ी करके या तय कर कर रख पाएँ। तो जब भी आपको टाइम मिले आप इसमें से कपड़े निकाल कर अच्छे से घड़ी कर कर रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा स्टोरेज कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। लेट्स गो। वाओ वाओ वाओ।